हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। तो देखिए, बैंक निफ्टी कल 47,000 से लेकर 46,500 के बीच में ट्रैवल किया। हालांकि बैंक निफ्टी कल ओपन हुआ था 46,780 के आसपास और फिर बड़ी बुलिश कैंडल के साथ उसने 46,500 की सपोर्ट ली। तो देखिए, दो रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल हमने बाय प्लॉट किए थे कल। 47,000 पर सपोर्ट लेवल था रेजिस्टेंस लेवल और 46,500 पर सपोर्ट लेवल था। तो लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बड़े बायर और सेलर इन लेवल्स को देखकर ही अपनी पोजीशन बनाते हैं। जैसे कि अभी मार्केट 3 दिन से कंसोलिडेशन रेंज में चल रहा है, तो यहाँ पर सेलर जो है इस प्राइस को ना तो 47,000 से ऊपर ले जाना चाहते हैं ना ही 46,500 से नीचे। तो प्राइस इसी रेंज में मूवमेंट करेगा क्योंकि थीटा डीके से ही सेलर का पैसा बनता है, इसीलिए यहाँ पर ये लेवल बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आपको इनका ध्यान रखना है। हालांकि कल मार्केट ने 300 पॉइंट का लगभग मूवमेंट दिया था पहली गिरावट के बाद। तो अगर हम ऑप्शन बायर कब यहाँ पर काम कर सकते हैं, तो जैसे ही मार्केट 47,000 के ऊपर निकलेगा तब यहाँ पर ऑप्शन बायर बाइंग साइड में जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पर 47,250 तक के जो सेलर हैं उनको टारगेट कर सकता है। और यहाँ पर 46,500 तक मार्केट में बाइंग के स्टॉप लॉस हैं, तो यहाँ तक मार्केट का मूवमेंट एक नॉर्मल मूवमेंट रहेगा। अगर मार्केट 46,500 की सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे निकलता है तो फिर हमें यहाँ पर फर्दर 400 पॉइंट तक का मूवमेंट काफ़ी अच्छे से देखने को मिल सकता है, जो कि ऑप्शन बायर के लिए काफ़ी बढ़िया पॉइंट एक रहेगा। तो ये दो लेवल्स हैं 47,000 और 46,500, इन दोनों का ध्यान रखकर ही जो ऑप्शन बायर और सेलर हैं उनको अपनी पोजीशन बनानी है। तो फिलहाल निफ्टी का एनालिसिस अगर डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ हमें बैंक निफ्टी में एक डब्लू पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि बड़ा बुलिश मूवमेंट के लिए यहाँ पर आप चल सकते हैं इसको लेकर। तो देखिए, ये एक डब्लू पैटर्न है, यहाँ पर ये आपका स्टॉप लॉस हो सकता है सेलर के लिए और ये भी स्टॉप लॉस हो सकता है अगर आपकी बाइंग कहीं इस लाइन पर बनी हुई है। तो इसी डब्लू पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर मार्केट में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि पैटर्न्स बनते रहते हैं और ये पैटर्न बड़े सिस्टम के साथ काम करते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ऑल टाइम हाई पर बैंक निफ्टी इस समय चल रहा है। अगर निफ्टी में हम देखें यही पैटर्न किस तरीके से बन रहे हैं तो हमें और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो चलिए निफ्टी की तरफ चलते हैं, निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट और देख लेते हैं। यहाँ पर देखें तो हमें एक वी पैटर्न नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमें डब्ल्यू पैटर्न जैसा कुछ नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर देखिए, ये एक नेकलाइन बनी, उसके बाद यहाँ पर हमें सीधा एक अपसाइड मूवमेंट, यानी कि यहाँ पर इस टाइप की डब्ल्यू जैसी कोई शेप हमें यहाँ पर बनती हुई भी नहीं दिखी, जैसे कि बैंक निफ्टी में है। तो यहाँ पर इतना बुलिश था कि ये ऑल टाइम हाई पर चल रहा है और ये अपने इस लेवल के काफ़ी ऊपर बैंक निफ्टी जो है निकल चुका है। तो इन दोनों पॉइंट को बिल्कुल हमें ध्यान रखना है कि अब ऑल टाइम हाई पर मार्केट अपने आप को क्रिएट करके चलता है। जैसे कि डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम एक और चीज़ यहाँ पर देखें तो ये हैमर कैंडल और उसके बाद भी हमें दूसरी हैमर कैंडल देखने को मिली थी, जो कि रिजेक्शन का सिंबल है। लेकिन इंट्राडे लेवल पर कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल देखकर ही हमको बाय सेल करना है। तो फिलहाल एसेट गाइड यूजर्स के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।